I scored an All India rank of 2255 in my NEET and I had a score of 635. अगर आज के टाइम पे मुझे वो स्कोर लाना है तो मुझे मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे अराउंड 670 के आसपास। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर मुझे NEET 2024 देना होगा तो मैं कैसे दूंगा। मैंने NEET 2019 में दिया था, उसके बाद मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर किया एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड किए। तो अभी मेरे पास जो नॉलेज है वो पहले से बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं फ्रेश एज अ बिगिनर स्टार्ट करता तो मैं क्या करता, ये आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जब मैं नीट एस्पिरेंट था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन टीचिंग का इतना कल्चर नहीं था तो इसलिए एस्पिरेंट्स भी कम थे एज वेल एज पेपर भी डिफिकल्ट आता था जिसके वजह से बट अभी नीट एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच मीन्स कॉम्पिटिशन बढ़ गया है एज वेल एज पेपर का डिफिकल्टी कम हो गया है तो इसलिए कट ऑफ हाई जा रहे हैं। सो ये मेजर डिफरेंस आया हुआ है 2019 एंड 2024 जो नीट देने वाले हैं। सो ये डिफरेंसेस को मैं कैसे टैकल करूंगा ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना मास्टर 3-स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जो टोटली गेम चेंजिंग होगा और जिसके हेल्प से आपको लाइफ में कभी टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखो नीट का पैटर्न चेंज हो गया है और एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं, उसके अलावा बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी तुम्हारे फंडामेंटल सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बुक्स सेम है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अपने फंडामेंटल्स राइट करके अगर तुम सही से इम्प्रोवाइज करोगे तो तुमको बहुत अच्छा रैंक मिल सकता है। सो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था मैंने पुणे का टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था एंड वो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर थे जो दिल्ली से पुणे केमिस्ट्री पढ़ाने आते थे। वो सिर्फ वीकेंड्स पे आते थे और 8-8, 10-10 घंटे के लेक्चर्स लेते थे एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो जैसे ही वो क्लास में आए उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। उन 100 बच्चों के क्लास में उन्होंने बोला कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन क्रैक एम्स दिल्ली, एंड जो ऐसे सोचते हैं जस्ट रेज योर हैंड्स अप। पूरे क्लास में एक बंदे ने भी हाथ ऊपर नहीं किया एंड एक बंदे का भी सिलेक्शन एम्स दिल्ली में नहीं हुआ। हम लोग एक मेंटल वॉल बना के चल रहे थे कि डबल डिजिट नीट रैंक या फिर एम्स दिल्ली जाना एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। बट अभी के टाइम पे जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिसोर्सेज है, टीचर्स एंड रिसोर्सेज सबके लिए सेम है, तो ये स्टेज पे मैं भी एम्स दिल्ली के लिए एम करता बिकॉज हमको इतना एक्सपोजर नहीं था, हम लोग कभी उतना एम कर ही नहीं पाए और अगर हमने एम छोटा रखा तो हम उतना ही पढ़ते गए। So, sky is the limit guys, don't ever stop yourself and please अपने आप के लिए limits मत रखो। Please have the highest goal and highest aim for yourself and I believe that you will achieve this. और अगर तुम सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हो एंड यू वांट टॉप लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर योर नीट प्रिपरेशन, वो भी घर बैठे बैठे, फिजिक्स वाला लेके आया है आपके लिए अमेजिंग ऑफर्स। तो पीडब्ल्यू के ये 3 बैचेस इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ आपको मिलेंगे। इसमें आपको क्लासेस होंगे 6 days a week एंड दिन में 3-3 लेक्चर्स होंगे। सोचो कितना हैवी ड्यूटी पढ़ाई होगा। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स एंड इसमें बहुत सारे टेस्ट शेड्यूल है और हर बैच के साथ आप बुक्स और अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बाय कर सकते हो अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे। सो टू कंटिन्यू माय पॉइंट, काफी टाइम हमको एक कॉन्सेप्ट कोई एक टीचर से समझ में नहीं आ पाता है और हमको वो टॉपिक डाउट में रह जाता है। सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दैट टॉपिक आई विल प्रेफर टू हैव 2 सेट्स ऑफ टीचर्स जिनसे मैं पढ़ना चाहूंगा। एक प्राइमरी टीचर जिनसे मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ बट ऑल्सो मैं पीडब्ल्यू ऐप का सब्सक्रिप्शन भी लेके रखूंगा बिकॉज अगर इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैं एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेके रख रहा हूँ मैं लाखों रुपए अपने कॉलेज फीस में सेव कर पाऊंगा। अगर मैं कोई डाउट आया या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो इमीडिएटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस कर पाऊँ। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 होगा। बट अगर इतने सस्ते में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने टन्स ऑफ लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफी टाइम पे हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग और इंस्टेड ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट हम लोग एक वीडियो से दूसरे वीडियो वही सेम टॉपिक अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं और कंफ्यूजन अराइज होता है हमारे माइंड में। इससे अच्छा मैं 2 टीचर्स मैक्स रखूंगा और अपने पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑल बाय माय सेल्फ। मैंने एक चीज जो बहुत अमेजिंग की हुई थी और मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ
कि मैंने एक रिसोर्स चीजें पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए और रीडिंग के लिए रखा था, और मल्टीपल एमसीक्यू के सोर्सेज रखे थे, जिससे कि मुझे जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो, जब भी कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना हो, मैंने अपने रिसोर्सेज एक फाइनाइट रखे थे। जैसे बायो के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, केमिस्ट्री के लिए मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने क्लास के नोट्स किए हुए थे, और उसके बाद मैंने एक डेंस कंसाइज वर्जन बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हुए थे, और उसका भी डेंस कंसाइज वर्जन मैंने उसके बाद बनाया था जिसमें जो रिएक्शंस मैं बार बार भूल जाता हूँ या बार बार गलती करता हूँ वो रिएक्शन सेपरेटली किए हुए थे फॉर द लास्ट 7 days। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैंने एन अवस्थी वाली बुक बाय की हुई थी, और उसमें जो थ्योरी वाले पॉइंट्स या जो कॉन्सेप्ट थे वहीं से मैं अगर कोई डाउट आए तो पढ़ता था, बट मैं यूजुअली प्रैक्टिस में ज्यादा बिलीव करता था, बिकॉज अगर तुम कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे वो सही आया मतलब तुमको तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और उसके 3-4 एमसीक्यू के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि सच में हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और अगर गलत आया तो क्या ये सिली मिस्टेक है या मेरा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है या मुझे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो नहीं आता। तो फाइनली ये 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद तुमको पता चलेगा अगर कॉन्सेप्ट रॉन्ग है तो तुम अपना मॉड्यूल पढ़ो, तुम अपने वीडियो लेक्चर्स करो और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, और ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट सही नहीं हो जाता, बट तुम वो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन को वहीं पे पकड़ के वो कॉन्सेप्ट खत्म करो। क्वेश्चंस आर अ टूल टू जज योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर मेमोरी एंड दे आर नॉट समथिंग दैट पुल्स यू डाउन और डिप्रेसेस यू। तो क्वेश्चंस का फोबिया जैसे ही तुम हटाओगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट होगे, तुम्हारे रैंक्स अपने आप क्लास टेस्ट में इम्प्रूव होते जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा मैं अपने साथ 3 हाइलाइटर्स रखूंगा, एक येलो, एक ग्रीन और एक रेड और ऑरेंज जो भी होता है। सो ग्रीन हाइलाइटर मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। येलो हाइलाइटर मतलब कि ये क्वेश्चन मीडियम है, ज्यादा इजी भी नहीं ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। ऑरेंज हाइलाइट मतलब कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसको वापस करने की जरूरत है, और वो लिखने के बाद मैं लिखूंगा ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट है और अपने वे में अंडरस्टैंड करूं ऐसा सोल्यूशन वहां पे लिख दूंगा, सो दैट मैं जब भी रिवाइज करने जाऊंगा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा जाता है, हम काफी टाइम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और अगर उसी बहाने हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और वही सेम टाइप के 2 और क्वेश्चंस जब हम हमारे टेस्ट में करेक्ट करते हैं तब हमको रियल कॉन्फिडेंस आता है, और अगर हम इजी क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमको सूडो कॉन्फिडेंस आता है। सो रियल कॉन्फिडेंस और सूडो कॉन्फिडेंस में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अपनी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी तरीके से सेट करता। सो इस पॉइंट पे आइडियली आई वुड ट्राई टू गिव अ टेस्ट एवरी मंथ, एंड जैसे जैसे मेरा पोर्शन कंप्लीट होता, जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता, जैसे जैसे मेरा बैकलॉग कवर हो जाता, उसके बाद मैं टेस्ट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता 1 in 2 weeks, 1 a week और ऑल्टरनेट डेज जाने तक इन माई लास्ट मंथ। सो इससे क्या हो जाता कि एवरी 2 टेस्ट के बीच में मुझे एक टाइम फ्रेम मिल जाता कि नेक्स्ट टेस्ट से पहले मुझे क्या इम्प्रूव करना है। सपोज मुझे फिजिक्स में इस बार बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो मेरा प्राइमरी फोकस इस बार फिजिक्स होगा और सेकेंडरी फोकस केमिस्ट्री और बायो, ये मेंटेनेंस लेवल पे चलेंगे। सो इससे क्या होगा कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा मेरा प्राइमरी फोकस फिजिक्स पे होगा और केमिस्ट्री और बायो मैं ऑल्टरनेट करके पढ़ूंगा। सो अगर मैं 1 घंटे के लिए फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटे के लिए केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद वापस 1 घंटे के लिए फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद वापस 1 घंटे लिए बायो पढ़ूंगा, तो इससे मेरा वीकनेस इंप्रूव हो जाएगा, और नेक्स्ट टेस्ट में अगर केमिस्ट्री वीक रहा तो मैं वही सेम करते करते सारे सब्जेक्ट्स एट पार लाना चाहूंगा, बिकॉज हर साल कोई एक ना एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाता है। सो हर सब्जेक्ट में अगर हमारी इक्वल तैयारी हो तो हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। एंड अगर तुमने अपने पेशेंस देके तुम इस पॉइंट तक पहुंचे हो वीडियो में तो मैं तुमको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा फोकस बहुत बढ़िया है। मैंने अपना फोन छोड़ दिया था नींद के समय, मैं प्रॉबली अगर वापस नीट एस्पिरेंट हूँ तो वापस अपना फोन छोड़ दूंगा और तन्मय भंडारी के चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, बिकॉज
मेरा कॉलेज लाइफ इतना हेक्टिक हो रहा है, बट तुम लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स डालते हो और तुमको मेरे वीडियोज से जेन्युइन हेल्प होता है। मैं आज ही अपने कॉलेज में वॉक कर रहा था और मुझे एक अपना जूनियर आके बोलता है कि सर मैं आपके वीडियोज नीट प्रेपरेशन के टाइम पे देखता था और मुझे जेन्युइनली हेल्प हुआ, एंड वो आज बीजे मेडिकल कॉलेज जो कि मेरा कॉलेज है वही सेम कॉलेज में है। सो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, मैं अपने दिल से तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तुमको एकदम ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज्यादा कमेंट करते हो अंडररेटेड, बट तुम लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सो द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मैंने अपने नीट एग्जाम के टाइम पे एक ब्लंडर किया है कि मैं अपने लिए एक टाइम टेबल बनाता था। टाइम टेबल बनाना इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एनी नीट एस्पिरेंट कैन मेक, एंड मैं ये अभी रियलाइज कर रहा हूँ। बिकॉज तुम जो अपने आप के लिए टाइम टेबल में डिसाइड कर रहे हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पूरा यूनिवर्स भी उस चीज को सपोर्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई या तुमको कुछ काम आ गया, तुमको तुम्हारे कॉलेज में बुला लिया, तो तुम्हारा टाइम टेबल ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, एंड काफी सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। काफी टाइम पे अगर तुमको पढ़ने का मन है, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी है, बट तुमने अपने टाइम टेबल के टास्क बहुत छोटे रखे थे और उनको कंप्लीट करने के बाद तुमको पढ़ने के लिए बचा नहीं है, तो ये तुम्हारा एनर्जी का वेस्टेज हो गया। सो एक करेक्ट बैलेंस फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए टाइम टेबल कभी मत बनाना। इंस्टेड यूज दिस 3-step फ्रेमवर्क। दिस 3-step फ्रेमवर्क इज प्लान, एग्जीक्यूट एंड इटरेट। सो प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रहा हूँ तो कौन से 3 topic है जिसमें से मैं एक टॉपिक चूज करूंगा और उसको पढ़ूंगा, और वैसे वैसे जैसे वो टॉपिक पढ़ूंगा वो 3 topic के लिस्ट में एक और टॉपिक ऐड कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी प्लानिंग। एग्जीक्यूशन इज एग्जीक्यूट योर टास्क, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट थिंग आफ्टर प्लानिंग। अगर तुमको पता है कि तुम्हारे वीकनेस के हिसाब से तुमने 3 topic निकाले हैं, वो 3 topic निकालने के बाद उनको अच्छे से पढ़ना है। एक फ्रेमवर्क बना लो कि अगर मैं एक बायो का चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर NCERT से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं वो चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखूंगा, उसके बाद मैं वापस वो चैप्टर NCERT से पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, उसके बाद मैं MPG के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं अपने क्लास में PW में दिए हुए मॉड्यूल सॉल्व करूंगा, और उसके बाद मैं वो टॉपिक पे 100 questions का टेस्ट दूंगा। ये ऐसे अगर तुम फ्रेमवर्क बनाओगे तो हर चैप्टर के एग्जीक्यूशन में तुम एक चेकलिस्ट होगा, वो चेकलिस्ट हर चैप्टर के लिए अगर तुम टिक करते जाओगे तो तुम्हारा मेंटल फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेमवर्क अगर तुम हर चीज के लिए बनाओगे तो तुम्हारा एफिशिएंसी भी पढ़ाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट हो गया। और ये इटरेट इज अ वेरी फैंसी टर्म। तो बेसिकली इटरेट का मतलब ये है कि अगर तुमने प्लानिंग की, अगर तुमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद तुम एक जगह पे बैठ के सोचोगे कि इस बार जो मैंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया उसमें मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, क्या चीजें सही हुई, क्या चीजें गलत हुई। तुम अपने आप को अच्छे से समझोगे, अपने नीड्स को अच्छे से समझोगे, अपने सिचुएशन को अच्छे से समझोगे और उस हिसाब से नेक्स्ट प्लान बनाओगे। नेक्स्ट प्लान बनाने के बाद तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसमें से गलतियां निकालोगे, उसमें से प्लस पॉइंट निकालोगे और नेक्स्ट टाइम एक और प्लान बनाओगे। ऐसे जब रिपीटेड साइकिल्स होते जाएंगे वैसे तुम्हारे प्लान्स एफिशिएंट हो जाएंगे और तुम्हारे और तुम डेफिनेटली नीट क्रैक कर पाओगे। आई एम विथ यू। एंड अगर तुमने ये वीडियो दिल से देखा है तो मैं भी दिल से यही चाहूंगा कि यू क्रैक नीट। एंड मैंने अपने नीट में फिजिक्स में 175 स्कोर किया हुआ था। सो अगर तुमको नीट फिजिक्स कैसे पढ़ना है वो देखना है तो तुम ये वीडियो जरूर देख सकते हो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस।